नमस्कार दोस्तों, आपका डेसिंग टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो फीचर्स बताने वाला हूँ या सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप अपने सैमसंग स्मार्टफोन को फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने कुछ भी गलती कर दी तो आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सीक्रेट कोड बताने वाला हूँ जिसे रन करके आप अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फ़ोन के डायलर में। इसमें कीपैड में डायल कीजिए *#9900#। इसे टाइप करने के बाद आपको इधर ऑप्शन दिखेगा, डिबग लेवल, डिसेबल या लो। इस पर क्लिक कर दीजिए और इधर आपको ऑप्शन दिखेगा मिड, हाई या लो। दोस्तों, इसे करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, आपको कोई और भी ऑप्शन पे टच नहीं करना है वरना आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उसी पे ही टच करना है। तो इस पे आपको मिड पे क्लिक कर देना है। मिड पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन रिबूट होगा और ये थोड़ा टाइम लगाएगा, इसलिए पेशेंस रखिए थोड़ा। तो दोस्तों, आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा और इसे थोड़ा टाइम दीजिए रिफ्रेश होने के लिए। और दूसरे स्टेप में आपको अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल कर देना है और इधर अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और फिर आपको इधर ऑप्शन दिखेगा बिल्ड नंबर का, इस पर 7 बार क्लिक कर दीजिए और अपना पिन डाल दीजिए। इसे करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, बैक करिए और इधर आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, इस पर चले जाइए सिंपली और इधर नीचे स्क्रॉल करना है आपको। इधर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। इन 3 ऑप्शन को आपको एक एक करके 5x पे सेट कर देना है। इन तीनों को 5x पे सेट करने के बाद आपको बैक जाना है और रिसेंट एप्लीकेशन क्लीन कर देनी है सारी। और फिर आप जब ये कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट ओपन होगी। देखिए दोस्तों, तो इन दो सेटिंग को यूज़ करके आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।